सो चैप्टर वन रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स दे रखे हैं जिनके के अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, कह रहे हैं इन सभी पार्ट्स का ना फैक्टर्स निकाल लो, और फैक्टर भी कौन से कह रहे हैं बेटा, प्राइम फैक्टर्स, यानी कि ये वो नंबर होने चाहिए जो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर वन में बेटा आपको यहां पे क्या कह रहे हैं, आपको यहां पे फर्स्ट टर्म दे रखी है 140, आपको कह रहे हैं इसके फैक्टर्स निकालने हैं आपको, और जो फैक्टर्स आपको निकालने हैं ना वो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए बेटा। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो या तो वन के टेबल में आते हैं और या फिर अपने टेबल में आते हैं, और किसी टेबल में वो लाए नहीं करते हैं। जैसे कि 140 है, अगर मैं इसका एलसीएम करूं या आप ऐसे कह लो कि अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं, तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 140 किस किस प्राइम नंबर में जाता है बेटा, प्राइम नंबर में जाता है, ये मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनना, सिर्फ प्राइम नंबर में जाना चाहिए, किसी और नंबर में मुझे नहीं चाहिए। तो प्राइम नंबर के हिसाब से देखिए तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 के टर्म में जाएगा ये 70 पे, फिर अगेन ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 पे जाएगा ये 35 पे, फिर उसके बाद ये कौन से छोटे प्राइम नंबर में जा सकता है, 2 के टेबल में तो ये नहीं जा सकता, और किस में जा सकता है, 3 में भी नहीं जा सकता क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर होता है। फिर अगला प्राइम नंबर होता है 5 में जा सकता है बेटा, ये 5 के टेबल में जाएगा 7 पे, और फिर 7 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स जो आपको बेटा यहां पे मिल रहे हैं वो क्या है, वो है 2 × 2 × 5 × 7। तो ये आपका बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां पे हो गया, सिंपल सिंपल। एक और पार्ट बेटा साथ साथ कर देते हैं, लेट्स से मैं थर्ड पार्ट ले लेता हूं, 3825। अगेन आपको यहां पे फैक्टर्स निकालने हैं 3825 के। तो अब आपको यहां पे बेटा कुछ बातों का ना कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि किस टेबल में जा सकता है। देखो यहां पे सबसे लास्ट में ना 5 है, 5 एक ऑड नंबर होता है, तो इसका मतलब 2 के टेबल में तो ये नहीं जाएगा, 2 के टेबल में तो ये नहीं जाएगा। अब 2 से बड़ा प्राइम नंबर देखो, तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 है मेरे पास, 5 है मेरे पास, तो ये 5 के टेबल में जा सकता है, क्योंकि 5 के टेबल में वो नंबर जाते हैं बेटा जिनकी यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का मतलब होता है जो आखिरी नंबर होता है ना वो 0 या 5 होता है। तो क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 में से कोई एक है, इसलिए ये पूरी टर्म 5 के टेबल में जा सकती है। तो अब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बेटा, ये 38 है यहां पे, तो 7 के टेबल में 35, 3 बचेगा तो 36 और 5, तो 765 मेरे पास यहां पे आएगा 5 के टेबल से। अगेन इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 के टेबल में जाएगा ये 1 और देन 26, 5 एंड 3, तो 153 बेटा मेरे पास यहां पे आ जाएगा। अब ये 153 कौन से टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा ये 51 पे जाएगा, 51। देन अब ये 51 किस टेबल में जाएगा, तो 51 बेटा मेरे पास जाएगा ये 3 के टेबल से, अगेन 1 पे, और एक सेकेंड, 1 पे जाएगा और 7 पे जाएगा, 17, तो 17 मंजा ये आ जाएगा। तो आपके जो प्राइम फैक्टर्स यहां पे निकल के आ रहे हैं बेटा वो क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके 5 × 5 × 3 × 3 × 17। बस आपका आंसर खत्म।